आईआईटी एडवांस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड बोर मॉडल ऑफ एटम। तो यहाँ पे आप आराम से बोर मॉडल की हेल्प से, उसके बोर के पोस्टुलेट्स की हेल्प से आप रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिटल बता सकते हो, एंगुलर ऑर्बिटल बता सकते हो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पे भी कमेंट कर सकते हो। तो बस इसी को देखते हुए एक छोटा सा मैचिंग का क्वेश्चन बनाया आईआईटी ने 2019 में, और उसमें वो मैच करवाना चाहता है कि प्रोपोर्शनैलिटी क्या होगी रेडियस की एनथ के साथ, एंगुलर मोमेंटम की एनथ ऑर्बिटल के साथ, काइनेटिक एनर्जी की एनथ ऑर्बिटल के साथ और पोटेंशियल एनर्जी की एनथ ऑर्बिटल के साथ क्या प्रोपोर्शनैलिटी होगी, ये आपसे कमेंट करवाना चाहता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ऑलरेडी फ्रॉम द बोर पोस्टुलेट वी नो कि रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिटल कैन इजली बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला दैट इज 0.0529 एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रम, वेयर एन इज दी एनथ ऑर्बिटल, जिस शेल की आप बात कर रहे हो वो शेल, और जेड इज दी एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट जिसकी भी आप बात कर रहे हो, जिसके बारे में आप कैलकुलेशन कर रहे हो। ये होता था आपका क्या रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिटल। बल्कि मैं तो ये कहूँ कि पहले ही लाइन लिखने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँच गए कि ये जो आपका रेडियस है एनथ ऑर्बिटल, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, ये फर्स्ट ऑप्शन विल बी प्रोपोर्शनल टू, अगर मैं यहीं पे मेंशन करूँ, फर्स्ट ऑप्शन मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो अभी इसमें से ढूंढेंगे कि कौन सा ऑप्शन इससे मैच करेगा, ठीक है जी। तब तक हम सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। और आपको पता है कि बोर के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच बाय 2 पाई। तो यहां से हम कह सकते हैं जो एंगुलर मोमेंटम है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू एन। तो यहां से अगर मैं इसको फाइनलाइज करूं तो सेकंड ऑप्शन विल बी प्रोपोर्शनल टू एन, और यू कैन से इज प्रोपोर्शनल टू एन की पावर 1। नेक्स्ट है आपका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अगर मैं कहूँ तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जिसकी आप ऑलरेडी जानते हो इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और फ्रॉम द बोर पोस्टुलेट हम जानते हैं वी जो आपकी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी वी इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10^8 जेड बाय एन, इट इज जेड बाय एन। ये होती है आपकी वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जब भी आपके पास वो एनएस शेल के अंदर हो, द यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इसको जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करते हो तो ऐसा करने से हमें क्या दिखेगा कि काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होगी, प्रोपोर्शनल हो जाएगी जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर के। इसका मतलब मैं तीसरे नतीजे पे क्या पहुंचा, तीसरा ऑप्शन जो आपका ये दे रखा है ये एक्चुअली में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एन स्क्वायर के, थर्ड ऑप्शन। नाउ अबाउट द फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो चौथा ऑप्शन आपसे क्या बोलता है, आपको बताना है अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस बोर पॉस्टुलेट्स, यू कैन से पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसके हिसाब से काइनेटिक एनर्जी अगर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी आपकी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के ही प्रोपोर्शनल होगी। और यहाँ से जो चौथा ऑप्शन है वो भी आपका मैच करेगा 1/n². तो एक बार जरा देख लेते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन कौन सा नहीं, देखते हैं जरा। जैसे ये आपसे कह रहा है पहला है आपका 3 पे p, 3 पे p का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एन की पार्ट -2। वो आपको पता ही है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/n² है, इज प्रोपोर्शनल टू 1/n² है। इसका मतलब है कि आपका यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन सही होना चाहिए। एक बस बाकी सारे ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। तो कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू क्यू, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/n, वो गलत है, ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है फोर्थ को यू से मिलाओ, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एन की पावर हाफ, ये भी गलत है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एस, और एस वाला क्या है, एस है इज प्रोपोर्शनल टू एन की पावर 1, मतलब प्रोपोर्शनल टू एन, ये भी आपका गलत है। इसलिए जो फर्स्ट आंसर होगा आपका वो है आपका ए। सेकंड को भी मैच कर लेते हैं इसी तरह से। सेकंड कह रहा है आपका कि सेकंड को मिलाओ आर से, मतलब कि एंगुलर मोमेंटम आपका प्रोपोर्शनल होना चाहिए एन की पावर 0 से, जो कि बात गलत है, ठीक है। देन आपसे कहता है कि बी ऑप्शन है कि फर्स्ट वाला होगा पी के प्रोपोर्शनल, मतलब फर्स्ट वाला है रेडियस, और रेडियस कहता है कि एन स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा, ये भी गलत है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपसे कहता है क्या कि
वन पे है टी, वन पे टी मतलब जो आपका रेडियस है वो किसके, वो एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। इसका मतलब आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपका कहता है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन कहता है कि आपका जो सेकेंड वन है वो आपका क्यू से मिलना चाहिए, मतलब एंगुलर मोमेंटम आपका किससे प्रोपोर्शनल होना चाहिए, एन की पावर वन के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, इनफैक्ट एन की पावर माइनस वन के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखो तो एंगुलर मोमेंटम आपको क्या पता है, एन की पावर वन के प्रोपोर्शनल है, बट क्यू ऑप्शन दे रखा है एन की पावर माइनस वन, तो इसलिए क्यू ऑप्शन भी आपका गलत है। तो इसलिए जो आपका सेकेंड जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, उसका आंसर होना चाहिए आपका सी और फर्स्ट आंसर होना चाहिए आपका ए। थैंक यू। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका आईआईटी एडवांस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर आप एनालिसिस करने की कोशिश करो तो आपको क्या दिखता है, सबसे पहले रिएक्शन उसने कराई है HgSO4 H2SO4 की, जो ये दिखाती है कि ट्रिपल बॉन्ड पे यहाँ पे वाटर का एडिशन होगा विद मार्कोनिकोफ रूल। अगली रिएक्शन ये दिखाता है क्या, AgNO3 NH4OH दैट इज सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कॉम्बिनेशन है, इसको दूसरी भाषा में टॉलेंस रिएजेंट भी बोलते हैं। और टॉलेंस रिएजेंट का काम होता है कि ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है CHO उसको COOH करता है, मतलब एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। अगला है आपका जिंक अमलगम दैट इज ZnHg कंसेंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में, दिस रिएक्शन और दिस रिएजेंट इज नोन एज योर दिस रिएजेंट इज नोन एज योर क्लिमेंशन रिडक्शन। और क्लिमेंशन रिडक्शन क्या करता है कि अगर आपके पास कोई कीटोन या एल्डिहाइड हो उसको रिड्यूस करके नॉर्मल एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। इतना सब कुछ करने के बाद हमें क्यू मिलेगा, देन उसके बाद आप देखोगे तो क्यू के ऊपर उसने SOCl2 का अटैक कराया है, जो क्या करता है यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना था उस कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट कर देगा COCl में। देन AlCl3 यहाँ पे फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन करेगा, जिसकी वजह से फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन हो जाएगा। देन उसके बाद फाइनली जो प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे R, उस पर जिंक अमलगम का रिएक्शन होगा, और जिंक अमलगम फिर से जैसा कि यहाँ दिखाया था, जिंक अमलगम उसी तरीके से यहाँ पे भी क्लिमेंशन रिडक्शन करेगा, और अगर कीटोन या एल्डिहाइड होगा तो उसको हाइड्रोकार्बन मतलब CH2 ग्रुप में सी डबल बॉन्ड को CH2 में कन्वर्ट कर देगा, देन फाइनली आपको एस मिल जाएगा। तो सबसे पहले बना लेते हैं अपना स्टार्टिंग रिएक्टेंट। स्टार्टिंग रिएक्टेंट इसने क्या बनाया है उसको देखते हैं। स्टार्टिंग रिएक्टेंट ये बनाता है, एक बेंजीन रिंग है, देन उसके ऊपर एक कार्बन है विद हैविंग ट्रिपल बॉन्ड, ओके, देन यहाँ है एक CH2, देन आपके पास फाइनली यहाँ पे एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है और यहाँ आपके पास OMe लगा हुआ है। इतना सब कुछ करने के बाद इस पे अटैक कराता है किस चीज़ का, अटैक कराता है आपका HgSO4 प्लस H2SO4। ऑल द हमारे रिएक्शन के अंदर HgSO4 ने लिखा है, वहाँ Hg2+ लिखा हुआ है और Hg2+ इज इक्विवेलेंट टू HgSO4। तो जब हमें रिएक्शन देखने को मिलता है तो हमें बुक्स में टेक्स्ट में यही पढ़ने को मिलता है कि HgSO4 प्लस H2SO4। ये HgSO4 H2SO4 क्या करेगा, इधर ट्रिपल बॉन्ड पे वाटर का एडिशन करवा देगा और यहाँ पे जो आपको डिल्यूट लिखा हुआ दिख रहा है, डिल्यूट का मतलब है कि हम यहाँ पे वाटर अपने आप से अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारा वाटर होगा, वो वाटर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उससे क्या बनेगा देखते हैं। इससे आपका ये कंपाउंड बन जाता है और इस कंपाउंड को ध्यान से देखें तो एक्चुअली में ये कुछ इनोल फॉर्म में है। यहाँ पे आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड देन सी देन OH, ये इनोल दिख रहा है आपको, ये अपने आप को टॉटोमराइज करके और स्टेबल कर लेगा। इट मीन्स कि ये क्या कर देगा, ये अपने आप को टॉटोमराइज करके यहाँ पे कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड फाइनली इट विल गिव यू तो आफ्टर फर्स्ट रिएक्शन यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। दिस थिंग उसके बाद क्या कराता है जरा ध्यान से देखना, इसके बाद आपको कराता है क्या, इसके बाद कहता है कि आपने इस पे अटैक कराया AgNO3 का
प्लस एनएच फोर ओ एच, और ये NH4 OH कहलाता है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड. तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस AgNO3, दिस इज कलेक्टिवली नोन एज योर टॉलेंस रिएजेंट. और टॉलेंस रिएजेंट का मैंने आपको पहले ही बताया क्या काम होता है, ये जो एल्डिहाइड वाला कार्बन है इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है. इट मीन्स कि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा एल्डिहाइड का, एंड दिस विल गिव यू COOH. तो दिस विल फॉर्म समथिंग लाइक दिस, CH2, देन सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक बेंजीन रिंग, देन हैविंग ओ एम ई यहाँ. देन इसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जेड एन एच जी डेट इज जिंक अमलगम इन एसिडिक मीडियम डेल्यूट एच सी एल के साथ, कंसेंट्रेटेड एच सी एल के साथ आपका कहलाता है क्या, क्लेमेंशन रिडक्शन. और क्लेमेंशन रिडक्शन का क्या काम होता है ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ. क्लेमेंशन रिडक्शन का ये काम होता है कि अगर आपके पास कोई कीटियन या फिर एल्डिहाइड का सी डबल बॉन्ड हो तो उसको रिड्यूस करके डबल बॉन्ड ओ को हटा के दोनों तरफ हाइड्रोजन्स लगा देता है. इट मीन्स आई कैन से कि आपके जो कीटोन और एल्डिहाइड का सी डबल बॉन्ड होगा उससे CH2 में कन्वर्ट कर देगा. तो ये इसका काम है. तो जब यही काम उसने हमारे इस मॉलिक्यूल पे किया तो ऐसा करने पे फाइनली हमारे पास क्यू आ जाएगा. तो क्यू क्या होगा जरा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं. क्यू ऐसा कुछ है कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है, और ये आपका COOH है. तो उसने क्या किया, उसने इस कीटोन वाले ग्रुप को रिड्यूस करके इसको भी CH2 बना दिया. और बाकी इसके पैरा पे जैसे कि आपको दिख रहा है इसके पैरा पे OMe लगा, तो यहाँ पे इसके भी पैरा पे मैं यहाँ पे OMe लगा दूँ एज इट इज. देन इसके बाद आपसे कहता है कि इसकी रिएक्शन हुई किससे, इसकी रिएक्शन हुई आपकी SOCl2 से. और मैंने आपको पहले ही बताया कि SOCl2 क्या करता है. SOCl2 का वैसे एक छोटा सा काम है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा COOH उसको एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट कर देगा. तो यू गेट समथिंग लाइक CH2CH2CH2, देन सी डबल बॉन्ड ओ सी एल हेयर एंड ओ एम ई हेयर. ठीक है जी. इसके बाद आपको कहता है क्या, इसके बाद कहता है कि आपने क्या किया, आपने फिर से इसकी AlCl3 से रिएक्शन कराई. और जैसा कि मैंने बताया था ये तो AlCl3 यहाँ पे फ्यूरलक्राफ्ट रिएक्शन देगा. जो ये कार्बन आपका दिख रहा है ये फ्यूरलक्राफ्ट रिएक्शन करके इस कार्बन से जुड़ जाएगा और इसका सब्स्टिट्यूशन इस ऑर्थो पोजिशन पर हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू CH2. ऐसा करने पर यू विल गेट द प्रोडक्ट कैसा, यहाँ पे कितने कार्बन एक बार काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब कि यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बन जाएगी समथिंग लाइक दिस विद हैविंग डबल बॉन्ड ओ हेयर. फाइनली जब ये सब कुछ हो जाएगा तो आपसे कह रहा है कि लास्ट में रिएक्शन क्या कराया, एक लास्ट रिएक्शन उसने कराया जिसमें वो आपसे कहता है कि फिर से आपने ZnHg जिंक अमलगम कंसेंट्रेटेड एच सी एल, मतलब कि फिर से आपने क्लेमेंशन रिडक्शन किया. और क्लेमेंशन रिडक्शन मैंने आपको पहले ही बोला कि किसी भी कीटोन या एल्डिहाइड कार्बन के सी डबल बॉन्डों को CH2 में कन्वर्ट कर देता है. इट मीन्स कि ये क्या करेगा क्लेमेंशन रिडक्शन, ये जो आपको कीटोन का सी डबल बॉन्ड दिख रहा है इसको हटा के यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगा देगा. फाइनली यू विल गेट दिस प्रोडक्ट. तो ये आ जाएगा OMe. अब चेक करते हैं जब हमने सारी सीक्वेंस लिख ली है तो फाइनली हमें क्या क्या मिला जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली है. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली पहले आपका हुआ HgSO4H2SO4, देन टॉलेंस रिएजेंट, देन क्लेमेंशन रिडक्शन, देन यू विल गेट दिस प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट विल नोन एज योर क्यू. तो दिस विल बी योर क्यू प्रोडक्ट. देन उसके बाद कहता है आपसे SOCl2 की रिएक्शन कराया, AlCl3 की रिएक्शन कराया, देन यू विल गेट द प्रोडक्ट कॉल R. तो दिस इज योर R प्रोडक्ट. देन कहता है कि फिर से क्लेमेंशन रिडक्शन कराया, यू विल गेट द एस प्रोडक्ट, देन दिस विल बी योर एस प्रोडक्ट. तो फाइनली अपने ऑप्शंस पे चेक करने की कोशिश करते हैं कि इनमें से कौन कौन सही है. क्या हमारा आर ये है, नहीं गलत है. क्या हमारा एस ये है, ओके एस सही है. क्या हमारा क्यू ये है, ओके क्यू सही है. क्या हमारा आर ये है, ओके ये सही है. क्या हमारा आर ये है, ओके ये भी सही है. क्या हमारा एस ये है,
ओके, ये भी सही है। क्या हमारा क्यू ये है? नहीं जी, ये गलत है। क्या हमारा आर ये है? नहीं जी, ये गलत है। दैट्स व्हाई फाइनली आंसर क्या लॉक करूं? फाइनली आंसर मैं दूं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मोर देन वन करेक्ट में आंसर होगा बी एंड सी। थैंक यू। Here, in this question, three chemical equations are given with some missing reactants and products, and we have to complete these equations and choose the correct options regarding these missing components. This question was asked in IIT JEE Advanced 2019. Let us start with the first equation. When zinc reacts with the hot and concentrated sulfuric acid, the products formed are zinc sulfate, sulfur dioxide, and water. For balancing the reaction, add 2 before H2SO4 and H2O. Now, second equation is the reaction between zinc and concentrated sodium hydroxide. It gives sodium zincate and hydrogen as product. For balancing, add 2 before NaOH. Third equation is the reaction between zinc sulfate, hydrogen sulfide, and ammonium hydroxide, which gives zinc sulfide as precipitate along with ammonium sulfate and water. For balancing the reaction, add 2 before ammonium hydroxide and water. Now, consider the option 1, in which we have to find out the bond order of molecule Q, that is H2, in ground state. So, according to the molecular orbital theory, there are 2 electrons in sigma bonding molecular orbital in hydrogen molecule. Then the bond order is calculated as number of electrons in bonding orbitals minus number of electrons in antibonding orbitals divided by 2. As number of electrons in bonding orbitals is 2 and no electron is present in antibonding orbital, so the bond order is found out to be 1. We can avoid this calculation and save time by simply having knowledge about structure of a molecule. As bond order is the number of bonds between two atoms in a molecule, in hydrogen molecule, as there is only one bond between two hydrogen atoms, so the bond order is simply 1 in hydrogen molecule. Hence, the option 1 is correct. Now, consider the option 2, in which we have to find out the oxidation state of zinc in the molecule T, that is sodium zincate. To find out the oxidation of zinc in the molecule, let us assume its oxidation state to be X. Then solve by taking plus 1 oxidation for 2 sodium atoms and minus 2 for 2 oxygen atoms. Then the oxidation number of zinc is calculated to be plus 2. Hence, the option 2 is incorrect. Now, consider the option 3, in which we have to find out the shape of molecule R, that is sulfur dioxide. In sulfur dioxide molecule, the central atom is sulfur, which has 2 double bonds shared with 2 oxygen atoms and 2 lone pairs of electrons. All these are arranged in space so that the repulsion between them will be minimum. So, to remain at maximum distance with each other, the bond pairs are bent to form a V-shaped molecule. Hence, the option 3 is correct. Now, consider the option 4, in which we have to tell the color of the molecule Z, that is zinc sulfide. All zinc salts are white in color due to no unpaired d electrons in zinc atom or zinc 2 plus ions, and thus no d-d transition. So, the statement in option 4 is also correct. Thank you. So, IIT Advanced 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, इनमें से कौन कौन से ऑप्शन आपके करेक्ट हैं दैट गिव्स एन एरोमेटिक कंपाउंड एज द मेजर प्रोडक्ट। इनमें से किस किस ऑप्शन में जब ये रिएक्शन होंगी, ये रिएक्शन परफॉर्म करेगा, उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड एज द मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो एक एक करके हमें सारे ऑप्शन उठाने पड़ेंगे। जैसे मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करता हूँ, पहले ऑप्शन नंबर ए को अगर मैं देखूँ तो उसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो इट विल कम आउट टू बी लाइक दिस। ऐसे में मैं यहाँ बनाऊँ एन ए ओ ई टी, और इसमें अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ये एन ए प्लस होगा और ये ओ ई टी माइनस होगा। यहाँ पे जो ओ ई टी माइनस है, ये ओ ई टी माइनस, इसके लिए मैं लिखूं इट कैन एक्ट ईदर एज बेस और एज न्यूक्लियोफाइल। तो
ये ओईटी माइनस आपका बेस जैसा भी काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल जैसा भी काम कर सकता है। अगर ये बेस जैसा काम करेगा तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जो आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा उस हाइड्रोजन को उठा के और इस बीआर को हटा के यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन रिजल्ट करेगा। तो इससे एलिमिनेशन होने के चांसेस है अगर आपका ओईटी माइनस आपका बेस जैसा काम करे। एक दूसरा काम क्या हो सकता है, दूसरा काम ये हो सकता है कि अगर आपके ओईटी माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करे तो ओईटी माइनस जाके इस बीआर पे अटैक करेगा, ये बीआर निकल जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आपके पास सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट आ जाएगा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर ये न्यूक्लियोफाइल जैसा ऐड करेगा तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, मतलब बीआर को हटा के ओईटी बैठ जाएगा, और अगर ये आपका बेस जैसा काम करे तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बना देगा, जिसकी वजह से आपका ये एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। अगर इन दोनों कंपाउंड्स में आप आराम से जज करने की कोशिश करो तो आपको एक बात और ऑब्जर्व होगी कि इस कंपाउंड के बारे में अगर देखा जाए तो ये कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है तो ऐसा आप पढ़ते हो कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल। अगर ये हाईली अनस्टेबल होगा तो हो सकता है थियोरेटिकली, ऐसे तो मैंने इसको बना दिया कि ये प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन एक्चुअली में ये प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। अगर देखा जाए प्रैक्टिकली ये प्रोडक्ट बनता ही नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये बनेगा। और अगर इसको ऑब्जर्व करें तो ये अगर यहाँ पे बन भी जाए तो ऐसे में ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका गलत है, ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं देगा। नाउ अबाउट ऑप्शन बी, ऑप्शन बी को मैं दिखाता हूँ, उससे पहले जनरलाइज करता हूँ, जनरली आपको समझाता हूँ होता क्या है। ऑप्शन बी में अगर आप देखो तो जनरली मान लो आपके पास ऐसा कोई भी सिचुएशन आता है जहाँ पे आपके पास यहाँ ये बीआर है, ये बीआर है और ये एच है, और यहाँ पे अगर आप कोई अल्कोहलिक क्यूएच डाल देते हो तो ये अल्कोहलिक क्यूएच क्या करता है, ये अल्कोहलिक क्यूएच एच बीआर को निकाल देगा। एक एच यहाँ से निकाला तो मान लो एक बीआर यहाँ से निकाला, ऐसा करने से आपका यहाँ पे कुछ एल्कीन जैसा बन जाएगा, बट एक बीआर और एक एच अभी भी बचा। तो अगर आप क्या करते हो, अगर आप अगले स्टेप में NaNH2 डाल देते हो तो ये NaNH2 बहुत स्ट्रॉन्ग वैसे से काम करता है, ये इस HBr को भी निकाल देता है, जिसकी वजह से फाइनली आपके पास क्या बन जाता है, फाइनली आपके पास कुछ ट्रिपल बॉन्डेड समथिंग कुछ बन जाता है। इससे एल्काइन की सिंथेसिस हो जाती है, आप कह सकते हो कि एल्काइन बनाने का तरीका है। तो इन दो स्टेप्स को परफॉर्म करने के बाद आपके पास ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। उसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करो, रेड हॉट आयरन जो लिखा हुआ है, ये क्या होता था, ये एक टिपिकल सी रिएक्शन होती थी, आपने अगर ध्यान दिया हो एनसीईआरटी में लिखी हुई एक सिंपल सी रिएक्शन है कि अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, रेड हॉट आयरन है, तो ऐसे में ऐसे ये तीन एल्काइन के मॉलिक्यूल अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाके जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाते हैं, और फाइनली आपका जो इससे प्रोडक्ट बनता है वो आपका क्या बन जाता है, वो आपका ऐसा बेंजीन बन जाता है। तो इस तरीके का ही कुछ कंपाउंड आपका ऑप्शन बी से ही बनेगा। तो अभी के लिए तो रफ आइडिया लग रहा है कि शायद ऑप्शन बी से एरोमेटिक चीज़ बन जाएगी, तो ये तो मैंने जनरलाइज किया। अभी मैं इसको एक्चुअली में करके दिखाता हूँ ऑप्शन बी में क्या होगा। नाउ अबाउट द ऑप्शन बी, ऑप्शन बी को करके देखते हैं। ऑप्शन बी अगर मैं देखूँ तो क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ आपके पास CH BR यहाँ, CH2 एक BR यहाँ। मैं एक बार में दोनों लिख देता हूँ, जैसे कि मान लो मैंने कराया पहले एल्कोहलिक क्यूएच से रिएक्शन, उसके बाद मैंने आपका कराया NaNH2 से रिएक्शन। अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, एल्काइन बन जाएगा। और फिर जैसे ये रेड हॉट आयरन से जैसे ये रिएक्ट किया था आपका नॉर्मल एल्काइन, उसी तरह से हमारा ये वाला एल्काइन भी रिएक्ट कर जाएगा और बेंजीन टाइप कुछ बना देगा। बट यहाँ पे आप देखोगे तो ये नॉर्मल आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH था, लेकिन हमारे मॉलिक्यूल के अंदर एक CH3 भी है, तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट में हमें CH3 भी नजर आ रहा होगा। इट मींस कि आपका क्या बन जाएगा, आपका कुछ ऐसा कुछ बनेगा और तीन CH3 नजर आएंगे। कोशिश करना सिमेट्रिक CH3 लगाने की, तो ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल बनाया हमने। और अगर इसको आप ऑब्जर्व करो तो ये मॉलिक्यूल आपका एरोमेटिक है, इसलिए मैं कहूंगा कि ऑप्शन बी आपका एरोमेटिक प्रोडक्ट दे रहा है, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ अबाउट दी ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं। ऑप्शन सी की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन सी बहुत फेमस मॉलिक्यूल है। इस ऑप्शन सी के ऊपर ये जो हाइड्रोजन्स होते हैं, ये बहुत फेमस बात है कि ये जो हाइड्रोजन्स होते हैं दे आर वेरी वेरी एसिडिक हाइड्रोजन्स। तो मैं कहूँ कि दे आर वेरी मच एसिडिक हाइड्रोजन्स। तो अगर मान लो कोई भी कहीं से हाइड्रोजन आ गया तो वो सबसे पहले क्या करेगा, वो सबसे पहले इसका एसिडिक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा।
मान लो कि यहाँ पे NaOMe आ रहा है, यहाँ पे NaOMe क्या करेगा, यहाँ पे बेस जैसा काम करेगा और ये इसका हाइड्रोजन उठा लेगा। हाइड्रोजन उठाने के बाद जो इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो कुछ ऐसा सा नज़र आएगा। इस कॉन्जुगेट बेस को अगर आप ऑब्जर्व करो तो बहुत ही प्यार से आपको दिख जाएगा कि ये एरोमेटिक इन नेचर है। एरोमेटिक होने के लिए क्या चार चार कंडीशन चाहिए होती थी। सबसे पहली कंडीशन चाहिए होती थी कि साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक है। दूसरी कंडीशन होनी चाहिए थी प्लेनर होना चाहिए, तो फाइव मेंबर रिंग विद कॉन्जुगेशन प्लेनर होगा। तीसरी कंडीशन होनी चाहिए थी कि कॉन्जुगेशन होना चाहिए थ्रू आउट द रिंग कॉन्जुगेशन हो जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बन जाएंगे। चौथी कंडीशन होती थी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपके रिवॉल्व हो रहे हैं या डीलोकलाइज हो रहे हैं उनको 4n+2 के इक्वल रख के देखो, एन की कुछ इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए, उसको हकल्स रूल बोलते थे। तो ये चारों ही रूल्स इसमें वैलिड होंगे, दैट्स वाई मैं बोलूँगा कि ऑप्शन जो आपका सी है उससे आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी आपका एरोमेटिक बन रहा है, तो इसलिए ऑप्शन सी से भी एरोमेटिक प्रोडक्ट बनेगा। नाउ व्हाट इज द ऑप्शन डी, ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं एक बार। ऑप्शन डी की अगर आप बात करें तो ये एक टिपिकल सी बकायदा एनसीईआरटी में लिखी हुई रिएक्शन है जो उठा के इसने आईआईटी में 2019 में दे दी थी। तो अगर आप हैलोजिनेशन कराते हो एक्सेस में और स्पेशल कंडीशन देते हो यूवी 500 केल्विन, अल्ट्रावायलेट रेज 500 केल्विन, वेस जनरली अगर देखा जाए तो बेंजीन नेवर गिव एडिशन रिएक्शन, बेंजीन ऐसे डबल बॉन्ड को तोड़ नहीं सकता है। लेकिन ये स्पेशल कंडीशन होती है, ये जो यहाँ पे लिखी है आपके पास ये एक स्पेशल कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन में एडिशन रिएक्शन हो जाती है और यहाँ पे टिपिकल सा एक आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। वो प्रोडक्ट क्या ऑब्जर्व होगा आपको, ऐसा कुछ दिखेगा जैसे ये साइक्लोहेक्सेन है और इस साइक्लोहेक्सेन के हर कार्बन पे एक एक सी एल लगाए, सी एल सी एल सी एल और सी एल, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। अगर फाइनल प्रोडक्ट को आप ऑब्जर्व करो तो फाइनल प्रोडक्ट आपका एरोमेटिक नहीं है यहाँ पे, इस वजह से ऑप्शन डी आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर फाइनलाइज करें हम अपने आंसर को देखेंगे क्या आंसर होगा, तो आपका ए ऑप्शन एरोमेटिक नहीं दे रहा है प्रोडक्ट, बी ऑप्शन से जो प्रोडक्ट आ रहा है वो एरोमेटिक है, ठीक है, सी ऑप्शन से जो आपका प्रोडक्ट आ रहा है वो भी एरोमेटिक है, डी ऑप्शन से जो आपका प्रोडक्ट आ रहा है वो एरोमेटिक नहीं है, जिस वजह से फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, बी एंड सी। थैंक यू। सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम आईआईटी एडवांस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है आईआईटी एडवांस में। क्वेश्चन आसान है, देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट एनर्जी माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि नॉर्मली होती भी है। हीलियम प्लस की जो एनर्जी इस वक्त दे रखी है आपको, वो दे रखी है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस यहीं से सारी बात पकड़ में आ जाएगी। क्या कहता है, यहीं से बात पकड़ते हैं। कहता है कि जो हीलियम प्लस की जो एनर्जी है वो आपकी दे रखी है कितनी, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो किसके इक्वल होगी अगर फॉर्मूला वाइज देखा जाए तो डेट विल बी इक्वल्स टू माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहाँ पे जेड होता है आपका एटॉमिक नंबर और एन होता है आपका नंबर ऑफ शेल, जिस शेल की बात चल रही है। तो यहाँ पे अगर मैं जेड को हीलियम की वजह से जेड इज इक्वल्स टू कितना रख दूँ, जेड इज इक्वल्स टू अगर 2 रख दूँ, तो ऐसे केस में सॉल्व करने पे यहाँ से मेरे पास एन इज इक्वल्स टू 4 आ जाता है, जिससे मेरे को ये पता चलता है कि इट इज टॉकिंग अबाउट 4 शेल। अब हम अपने ऑप्शंस को पढ़ सकते हैं और एक एक करके इनके ऊपर बात कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आपसे कहता है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है जेड इफेक्टिव इज लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम चेक कर सकते हैं। हम लोग स्लेटर्स रूल एक पढ़ते थे, उससे हम न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव निकालते थे, एंड दैट जेड इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा। और ये जो सिग्मा होता था ये कॉन्स्टेंट वैल्यू होती थी और ये कॉन्स्टेंट हम स्लेटर्स रूल से कैलकुलेट कर पाते थे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये सिग्मा की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ तब कैलकुलेट होती थी जब आपके पास मल्टी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट हो या फिर मल्टी इलेक्ट्रॉन आयन हो। अगर आपके पास यूनी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट या यूनी इलेक्ट्रॉन आयन है तो ऐसे में सिग्मा इज इक्वल्स टू 0 होता था। और इस वक्त हमारे पास जो एग्जांपल है हीलियम प्लस का, उस वक्त आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए जो सिग्मा की वैल्यू होगी वो 0 होगी और जेड इफेक्टिव जो है आपका जेड के इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स नथिंग बट इक्वल्स टू 2 के इक्वल हो जाएगा। इस कारण की वजह से पहला स्टेटमेंट गलत है। आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, सेकंड स्टेटमेंट आपसे कहता है अबाउट रेडियल नोड। और रेडियल नोड निकालने का बहुत ही इजी तरीका होता था, क्या
उसका वैल्यू निकाला जा सकता है बाय यूजिंग द फॉर्मूला एन माइनस एल माइनस वन। और इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन के अंदर ही आपको ये बात दी गई है कि जो एजीमुथल कॉन्टर नंबर है एल वो है दो और जो मैग्नेटिक कॉन्टर नंबर है वो है जीरो। तो आपको ये गिवन है इस क्वेश्चन में कि एल इज इक्वल टू टू है और एम इज इक्वल टू कितना है, एम इज इक्वल टू जीरो है, ये क्वेश्चन में गिवन है हमें। तो बाय यूजिंग द डाटा कि एन इज इक्वल टू फोर है, L is equals to 2 है, M is equals to 0 है, ये सब कुछ यूज करके N minus L minus 1 हम निकाल सकते हैं, that will come out to be 4 minus 2 minus 1, that will come out to be 1। तो रेडियल नोड हमारे कितने हैं, रेडियल नोड आ रहे हैं हमारे 1, लेकिन यहाँ पे आपको बोलता है रेडियल नोड इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी आपका गलत है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ऑप्शन नंबर 3। वो कहता है कि ये 4D सबशेल है, तो वो तो हम पहले ही यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, ये फोर्थ शेल है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 4 है, l इज इक्वल टू आपको 2 गिवन है, तो l इज इक्वल टू 2 तो आप ऑलरेडी जानते हो l इज इक्वल टू d सबशेल के लिए यूज होता था। इसका मतलब है कि ये कौन सी स्टेट की बात कर रहा है, ये 4D स्टेट की बात कर रहा है। अगर 4D स्टेट की बात कर रहा है तो हमारे क्वेश्चन में भी 4D स्टेट के बारे में ही बात कर रहा है। इस कारण की वजह से मैं बोलूँगा कि ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, थर्ड ऑप्शन, ये करेक्ट है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कह रहे हैं एंगुलर नोड इज इक्वल्स टू। वैसे अगर देखा जाए तो जनरली एंगुलर नोड सीधा सीधा इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ एल होता है, जिसके हिसाब से एंगुलर नोड इज इक्वल्स टू 2 होगा यहाँ पे, ठीक है ना। लास्ट ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी ये है कि अगर मैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जैसा कि मेरे को m इज इक्वल टू 0 गिवन है, तो d सबशेल के लिए, फॉर d सबशेल, अगर आपके पास m इज इक्वल टू 0 है, देन वी आर टॉकिंग अबाउट dz ऑर्बिटल, और dz ऑर्बिटल के अंदर जो एंगुलर नोड होती है वो कॉनिकल नोड होती है, प्लेनर नोड नहीं होती है। इस कारण की वजह से dz ऑर्बिटल के लिए 0 एंगुलर नोड बोला जाता है। तो अगर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से चलूँ और m की वैल्यू देखूं, तो मेरा फोर्थ ऑप्शन गलत है। अगर मैं नॉर्मल इन जनरल कहूं और सिर्फ इसके हिसाब से इन जनरल मैं कहूं कि d सबशेल है, तो d सबशेल के हिसाब से एंगुलर नोड इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 2 होना चाहिए, उस हिसाब से आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल तो है, c और d दोनों आंसर हो सकते हैं, जिसकी वजह से मैं कहूंगा कि सी आंसर तो फॉर श्योर सही है, डी आंसर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बोलूं तो गलत है, और इन जनरल अगर बोलूं तो सही है। तो फिलहाल मैं सही वाले पे टिक लगाता हूं, मैं बोलता हूं कि डी आंसर होगा। इसके हिसाब से सी और डी दो आंसर यहां पे आपके होने चाहिए थे। थैंक यू। आईआईटी एडवांस 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, जैसा कि आपको पढ़ने में आ रहा है, क्वेश्चन में पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूसेस प्रोपेन एज अ मेजर प्रोडक्ट। आपसे पूछता है इन चारों में से किस ऑप्शन से आपका प्रोपेन बनेगा एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो एक एक करके सारे ऑप्शंस को पढ़ते चलते हैं। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है कि कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट ले रखा है और उसका वाटर के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा है। अगर याद दिलाएं तो ये रिएक्शन कौन सी होती थी, ये रिएक्शन आपकी होती थी कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें हम ऐसा सीखते थे कि अगर कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस में आपके पास कभी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है और उस कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट को अगर आप वाटर के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिसिस करा दो, तो ऐसे कराने से आपका ये R फ्री रेडिकल जनरेट करता था, यहाँ से R फ्री रेडिकल जनरेट होगा और इस तरीके से कम दो मॉलिक्यूल इसके यहाँ पे रिएक्ट करेंगे और इस तरीके से दो R फ्री रेडिकल जनरेट होंगे। फाइनली वो दो R फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाते हैं टू गिव यू एल्केन। तो ये रिएक्शन हम लोग पढ़ते थे कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। अगर यही सेम काम हम यहाँ पे करें तो आपको दिख रहा है कितने कार्बन, 1, 2, 3। तो इसमें आपको दिख रहा है 3 कार्बन की चेन लेके चल रहे हो, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट में 6 कार्बन की चेन आपको नजर आएगी, मतलब कि नॉर्मल हेक्सेन नजर आएगा, तो वो प्रोपेन नहीं होगा, मतलब पहला ऑप्शन आपका गलत होगा। आप चाहो तो एक बार मैं उसको लिख के दिखा देता हूँ, देखें जरा। तो हमने क्या बोला कि अगर आपके पास CH3, CH2, CH2, CH3,
COO माइनस Na प्लस है, तो इस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोलिसिस करने से आपको दिखेगा कि यहाँ से जैसे ऊपर हो रहा था उसी तरीके से इसके दो मॉलिक्यूल मिलेंगे और इसके तीन कार्बन प्लस तीन कार्बन मतलब छह कार्बन की चेन बन जाएगी, नॉर्मल हेक्सेन बन जाएगा एज ए फाइनल प्रोडक्ट। दिस विल बी नॉर्मल हेक्सेन। तो इसलिए पहला ऑप्शन आपका गलत है, दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑप्शन इज योर रॉन्ग ऑप्शन। तो अगर सेकेंड रिएक्शन पे आपको ब्रीफिंग दूं तो इसमें कुछ ऐसा सा होता था कि अगर आपके पास इस तरीके से दो बीयर हैं और उसको अगर आप जिंक के प्रेजेंस में हीट कर देते हो, तो शॉर्टकट में आपको समझाने के लिए मैं ऐसा बता दूं कि आप ऐसा मान सकते हो कि मान लो जैसे ZnBr2 निकल गया और यहाँ से क्या बन जाता था, यहाँ से बन जाता था आपका एल्कीन। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो आपका सेकेंड ऑप्शन है उससे आपका प्रोपेन नहीं बन रहा है बल्कि प्रोपीन बन रहा है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन भी आपका गलत ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन में आपको एक अल्काइल क्लोराइड दे रखा है जिसको जिंक डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में रिएक्ट किया जा रहा है, ये रिएक्शन हो जानी चाहिए और इससे प्रोपेन बन जाना चाहिए क्योंकि जिंक डाइल्यूट HCl एक तरह से रिडक्शन रिएक्शन दिखाता है और किसी भी RX को RH में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर इस रिएक्शन को इस पे करने की कोशिश करोगे तो CH3CH2CH2Cl इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl विल गिव CH3CH2CH3, दिस विल गिव यू प्रोपेन एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो दैट्स व्हाई हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। सिमिलरली द लास्ट वन, तो लास्ट ऑप्शन में आपको दे रखा है NaOH कैल्शियम ऑक्साइड हीट। ये क्या सिंबलाइज करता है, ये सिंबलाइज करता है कि आप सोडा लाइम डाल रहे हो ऑन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से आपका एल्केन सिंथेसाइज हो जाता है। जैसे कि अगर हम आपको ये रिएक्शन दिखाएं तो ऐसा में जैसे कि RCOONa अगर मैं लेके चलता हूँ CH3CH2CH2COONa अगर मैं लेके चलता हूँ और इसको अगर मैं NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में सोडा लाइम के प्रेजेंस में हीट कर देता हूँ, तो शॉर्टकट में अगर मैं इस रिएक्शन को आपको समझाऊँ तो मैं ऐसा कह सकता हूँ शॉर्टकट में समझाने के लिए कि इस तरीके से आपका Na2CO3 निकल जाता होगा और आपका ये हाइड्रोजन इससे जुड़ जाता होगा, फाइनली आपके पास यहाँ से CH3CH2CH3 एज अ मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा, मतलब आपका इस रिएक्शन से भी प्रोपेन बन जाएगा। इस वजह से जो आखिरी ऑप्शन है वो आपका सही ऑप्शन है, दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। दैट्स व्हाई आई कैन से द करेक्ट ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन आर सी एंड डी। दिस क्वेश्चन इज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर्स एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन IIT JEE एडवांस्ड 2019। हियर ऑप्शन वन इज अबाउट प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन इज फॉर्मड बाय पासिंग टेट्राफ्लोरोएथीन इनटू वाटर containing ammonium persulfate as radical initiator at 310 to 350 Kelvin and at a pressure of 10 to 20 atmosphere. Ammonium persulfate forms radicals which breaks a double bond of tetrafluoroethene and proceed the reaction by a free radical mechanism. So, the option 1, which states that Teflon is prepared by heating tetrafluoroethene in presence of a persulfate catalyst at high pressure is correct. Option 2 is about natural rubber. It is made by the cis polymerization of isoprene, that is 2-methyl-1,3-butadiene, and it is known as cis 1,4-polyisoprene.
By cis polymerization, we mean that if we consider a single unit of monomer, then the other two monomer units are attached to cis position, that is at 1 and 4 position of this monomer unit. Hence, the option 2, natural rubber is polyisoprene containing transalkene unit, is incorrect. Option 3, nylon 6 has amide linkages. Nylon 6 is prepared when caprolactam is heated in water. In nylon 6, the monomers caprolactam are linked with each other through amide linkages. Amide linkage is the single bond between carbon atom of carbonyl group and nitrogen atom of amines. So, the option 3 is correct. Option 4 is about cellulose. Cellulose is the polymer of beta-D glucose molecules, joined together via beta-1,4 glycosidic bonds. Here beta means that the OH group on carbon-1, that is enomeric carbon of glucose molecule, is above the plane of glucose ring. And if this group is below the plane of ring, then it is said to be alpha. And 1,4 glycosidic bonding means that the bond is between carbon-1 of one glucose molecule and carbon-4 of another glucose molecule. So, the option 4, cellulose has only alpha-D glucose units that are joined by glycosidic linkages, is incorrect. Thank you. So, IIT Advanced 2019 Iowa question hai. Ye question bahut hi asaan question us saal mein pucha gaya. Kehta hai ki total number of hydroxyl group present in a molecule of the major product of this क्या कह रहे हैं कि इस reaction को कराने के बाद जो भी आपका product आएगा उसके अंदर कितने OH group होंगे और आपको कुछ reactions दी गई हैं. एक है आपका hydrogen palladium barium sulfate quinoline की presence में और दूसरी reaction है आपकी dilute KMnO4XS है जो कि 273 Kelvin पे आपको दे रखा है. दोनों reaction की थोड़ी सी briefing जरा मैं आपको देता हूँ, उससे आपको सब समझ में आ जाएगा. देखें जरा, जैसे कि अगर एक रिएक्शन में आपको बोलूं कि एक सिंपल सा मान लो आपके पास कोई एल्काइन हो कभी सी ट्रिपल बॉन्ड सी समथिंग, उस पर अगर आप कभी कराते हो H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट क्विनोलिन के प्रेजेंस में, तो ऐसे में दिस रिएजेंट इज नोन एज, इसका नाम होता है रिएजेंट का, दिस वन इज नोन एज लिंडलर्स कैटलिस्ट. इसकी टेंडेंसी क्या होती है, ये सिर्फ तरीके से आपका एल्कीन बनाता है. मतलब यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो जाएगा, दो हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएंगे और एक्सक्लूसिवली आपको सिर्फ और सिर्फ सिस ही बनाता है. मतलब दोनों हाइड्रोजन आपके सेम तरफ से जाके जुड़ेंगे, ये भी फिक्स है इस रिएजेंट का. तो इस वजह से आपको एक्सक्लूसिवली सिस एल्कीन आपको मिल जाएगी. अच्छा जी, दूसरी रिएक्शन क्या दी गई, दूसरी रिएक्शन डाइल्यूट KMnO4 की दी गई है. डाइल्यूट KMnO4 एक्चुअल में क्या करता है, अगर उसके पास कोई भी डबल बॉन्ड हो. अच्छा, ऊपर वाली रिएक्शन के बारे में ये एक और बात मैं बता दूँ, ये जो लिंडनेस कैटलिस्ट है ये डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता. अगर कहीं डबल बॉन्ड हो तो उस पर H2PdSO4 कुछ इफेक्ट नहीं डालता है, वो एज इट इज रहेगा, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड पर वर्क करता है. और नीचे वाला जो आपको डाइल्यूट KMnO4 दे रखा है वो डबल बॉन्ड पे कैसे इफेक्ट दिखाएगा वो बताता हूँ मैं आपको. तो उसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है कि ऐसा करके इसका एक ये पाई बॉन्ड टूट जाएंगे और दो नए बॉन्ड जनरेट हो जाएंगे, और जो दो नए बॉन्ड जनरेट होंगे दोनों नए बॉन्ड पे एक एक OH लग जाएगा, और ये भी दोनों OH सेम साइड पे लगते हैं, ये भी सेम एडिशन टाइप के रिएक्शन है. तो बचे हुए सारे एलिमेंट्स में कुछ ऐसा लगा दूँ इस बार रिएक्शन में भी मैं क्या बोलूँ कि दोनों OH आपके सेम साइड पे जुड़ जाएंगे. तो बस ये सारा वर्कअप हम करने की कोशिश करते हैं अपने गिवन मॉलिक्यूल पे जो हमें दे रखा है. देखना जरा, जो हमें मॉलिक्यूल दे रखा है एक बार जरा मैं उसको बना देता हूँ. क्या मॉलिक्यूल दे रखा है मेरे को, मुझे दिया गया एक 5 मेंबर रिंग, ठीक है, जो कि जुड़ा हुआ है आपका CH2 से. देन है आपके पास सी ट्रिपल बॉन्ड सी, देन है CH2, इसके बाद आपका है एक 6 मेंबर रिंग ऐसा कुछ, और डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है जरा एक बार देख लेते हैं. जैसे यहाँ पे एक कार्बन छोड़ के फिर डबल बॉन्ड है, तो एक कार्बन छोड़ के यहाँ डबल बॉन्ड. सिमिलरली यहाँ से देखें तो एक बॉन्ड छोड़ के फिर दूसरा बॉन्ड छोड़ के, या फिर इधर से काउंट कर लेता हूँ, एक बॉन्ड छोड़ के दूसरा बॉन्ड छोड़ के तीसरे पर डबल बॉन्ड है. तो एक बॉन्ड छोड़ के दूसरा बॉन्ड छोड़ के तीसरे पर डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने, तो वो चाहे आप अपसाइड लगा दो चाहे डाउनसाइड लगा दो, दैट डजंट मैटर, ठीक है ना.
तो एक मैंने डबल बॉन्ड इस साइड लगा दिया, ठीक है, सिक्स मेंबर रहेंगे, थोड़ा सा मेरा हो सकता है, ठीक नहीं बनाओ देख लेना। ओके फाइनली क्या हुआ, फाइनली इस पे हमने रिएक्शन कराई जो लिंडर्स कैटलिस्ट की रिएक्शनस ने आपको बोली, जो हमने वहां लिखी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैलेडियम बेरियम सल्फेट, और अभी अभी मैंने आपको बोला पैलेडियम बेरियम सल्फेट यहाँ डबल बॉन्ड्स को कोई इफेक्ट नहीं करता, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड बना देगा, और उसमें भी जुड़ने वाले दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़ेंगे, इसको सिस एल्कीन बना देगा। तो क्या बनेगा जरा देखते हैं, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा आपका सी डबल बॉन्ड सी, दो हाइड्रोजन आपके जुड़ गए सेम तरफ को, और यहाँ रह गया आपके पास सी एच टू सी एच टू, एक आ गया आपके पास ये सिक्स मेंबर रिंग, और एक तरफ है आपके पास फाइव मेंबर रिंग, और इसके डबल बॉन्ड को ऊपर वाले रिएजेंट ने कोई इफेक्ट नहीं डाला, इस वजह से ये डबल बॉन्ड एज इट इज यहाँ नजर आएगा, और एक डबल बॉन्ड एज इट इज आपको यहाँ नजर आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा डबल बॉन्ड पे। अगली रिएक्शन में अब डबल बॉन्ड पे फर्क पड़ेगा, अगली रिएक्शन क्या है, अगली रिएक्शन है आपकी जैसा कि यहाँ पे दिया गया डेल्यूट KMnO4, डेल्यूट KMnO4 एक्सेस में है 273 केल्विन पे है, एक्सेस में कहने का उसका ये मतलब होगा कि एक्चुअल में आपका डेल्यूट KMnO4 डबल बॉन्ड पे अटैक करता है, तो एक्सेस से कहने एक्सेस लिखने से शायद वो ये कहना चाहता है कि आप इस डबल बॉन्ड पे भी रिएक्शन करा दो, इस पे भी करा दो, इस पे भी करा दो, मतलब एक्सेस है तो सारे ही डबल बॉन्ड से रिएक्शन करा दो। तो अपना बेसिक से स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, उसके बाद सारे डबल बॉन्ड्स पे एक एक ओएच लगा दे, मतलब सारे डबल बॉन्ड पे इधर और इधर एक एक ओएच लगाते चलेंगे, जैसे कि बेसिक से स्ट्रक्चर दोबारा से लिखते हैं इस स्ट्रक्चर को, लेकिन इस बार डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बना के लिखना, CH2 फाइव मेंबर रिंग, हियर इट इज सिक्स मेंबर रिंग। फाइनली होगा क्या, अपना ये काम कराने से KMnO4 की रिएक्शन कराने से इसके पास यहाँ एक OH लग जाएगा, यहाँ एक OH लग जाएगा, दो OH आपके यहाँ लग जाएंगे, एक इधर और एक इधर, और दो OH आपके यहाँ लग जाएंगे, एक इधर और एक इधर, और इस आपके जो भी जुड़ने वाले OH हैं सब सेम साइड से जुड़ते हैं, तो ये सीन एडिशन होता है, तो अगर ये भी डार्क पे है तो ये भी डार्क पे है, या फिर दोनों डॉट पे होंगे, सिमिलरली या तो ये दोनों डार्क पे होंगे या फिर दोनों डॉट बॉन्ड पे होंगे, या फिर इन दोनों को भी डार्क पे कर दो, इन दोनों को डॉट बॉन्ड पे कर सकते हो, तो सारे के सारे ओएच आपके इस तरह से लग जाएंगे। क्वेश्चन में ज़्यादा अंदर की बात पूछी नहीं, उसने बस इतनी सी बात आपसे पूछी है कि इस क्वेश्चन में आप जजमेंट करके बताओ कि इसके अंदर कितने ओएच बनेंगे जब आपका फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद कितने ओएच बने ये आप आराम से देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 ओएच बने, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, 6 ओएच आपका बनेगा और आंसर होगा आपका 6। थैंक यू। दिस क्वेश्चन इज अबाउट एक्वा रेजिया व्हिच कैन डिसॉल्व द नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन IIT JEE एडवांस 2019। फर्स्ट लेट अस डिस्कस व्हाट इज एक्वा रेजिया। इट इज अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3 इन द 3:1 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रेशियो, व्हिच मींस दैट If we take 3 ml of HCl, then 1 ml of HNO3 is added to prepare aqua regia. So, option 3, which states that aqua regia is prepared by mixing concentrated HCl and concentrated HNO3 in 3:1 volume by volume ratio is correct. Now, what makes the color of aqua regia to be yellow? In aqua regia, HCl and HNO3 reacts with each other to form nitrosyl chloride and chlorine mixture, which imparts yellow color to the aqua regia. So, option 2, which states that the yellow color of aqua regia is due to presence of NOCl and Cl2 is correct. Now let us check what happens chemically when aqua regia dissolves gold metal. In aqua regia, there are hydrogen ions, nitrate ions and chloride ions, which when reacts with gold metal, it forms a soluble tetrachloroaurate 3 complex of gold along with nitrogen monoxide and water as product. Oxidation state of gold in this complex is find out as x be the oxidation state of gold and -1 for chlorine multiplied by 4 due to 4 chlorine atoms, and this is equal to -1 due to -1 charge on the complex. Thus the oxidation state of gold is find out to be +3. Hence the option 4, which states that reaction of gold with aqua regia produces an anion having Au in +3 oxidation state is correct. Now, option 4,
states that the reaction of cold with aqua regia produced NO2 in the absence of air. But here we have seen that in the reaction, product formed is NO, not NO2. Though in presence of air, NO can oxidize to NO2, but in the absence of air, there is no chance of production of NO2. Hence, the option 1 is incorrect. Thank you. जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन में पूछा गया टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कंसीडरिंग बोथ स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर ऑफ साइक्लिक ईथर विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो आपका क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका हेलो स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कंसीडरिंग बोथ स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ साइक्लिक ईथर विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O कितने बनेंगे, ऐसा पूछता है आपसे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन आपका IIT एडवांस में 2019 में पूछा गया था, मतलब 2019 का क्वेश्चन है। फिर अगर क्वेश्चन पे वर्कअप करने की कोशिश करो तो इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले आप हमेशा यही करने की कोशिश करा करो, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उतारा, वहाँ से ये ढूंढने की कोशिश करी कि इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितने हैं, ताकि आपको एक रफ नॉलेज मिल जाए कि इसके अंदर डबल बॉन्ड या रिंग्स कितने बनानी है। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर आप देखो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाय 2+1। ये फॉर्मूला अगर मैंने लगाया अपने मॉलिकुलर फॉर्मूला पे तो ये आया 4-8/2+1, दैट विल कम आउट टू बी 1। इसका मतलब है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है। जैसे कि क्वेश्चन में आपको बोला भी गया, क्वेश्चन में आपको बोला साइक्लिक, अगर आप ध्यान से देखो इस यहाँ पे लिखा है साइक्लिक ईथर, तो मतलब ऑब्वियसली बात है कि ये जो एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है ये रिंग में यूज़ हो जाएगा, इसके अलावा इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, कोई भी रिंग नहीं है। अब C4H8O से आप कितनी रिंग्स बना सकते हो उसको देखने की कोशिश करें जरा, एक बार ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, इससे साइक्लिक ईथर कितने बना सकते हो रिंग वाले। तो एक तो बन सकता है ये इंक्लूडिंग ऑल द ऑक्सीजन एंड कार्बन्स, तो 1 ऑक्सीजन 4 कार्बन्स, आपके पास ये 5 मेंबर रिंग बन गया। एक क्या बन सकता है, एक बन सकता है आपका 4 मेंबर रिंग। 4 मेंबर रिंग में आपको अगर आप ध्यान से देखो, अभी आपने 3 ही कार्बन्स यूज़ करें, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, अभी एक कार्बन अभी भी आपका मिसिंग है, तो मतलब आपको इसमें एक कार्बन और लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से एक स्ट्रक्चर तो ये हो जाएगा, एक स्ट्रक्चर आपका ये हो जाएगा, ये 2 स्ट्रक्चर हो गए जी। ठीक है, अब आ जाते हैं 3 मेंबर रिंग पे। 3 मेंबर रिंग वाले में अगर आप बात करो तो 3 मेंबर रिंग वाले में आपका एक स्ट्रक्चर ये बन सकता है, ये दोनों CH3 है। अब 3 मेंबर रिंग में और भी स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, जैसे कि एक तो बन गया आपका ये, और एक और बन सकता है, जैसे कि आपका एक बन गया ये, ध्यान से देखना, इसमें एक अच्छी बात है, लास्ट वाला स्ट्रक्चर है, आई बात करते हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनिएगा, अगर सबसे पहले जैसा कि इसमें बोला गया था स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो, स्ट्रक्चरल तो हमने बना लिए, अब स्टीरियो के बारे में सोचना है। स्टीरियो के बारे में सोचने के लिए बस आप इतना ही देखो कि इसके अंदर कोई कायरल सेंटर है या नहीं, अगर कहीं भी कायरल सेंटर होगा तो वो 2 तरह से एग्जिस्ट कर पाएगा, एक आर एक एस, 2 तरह से एग्जिस्ट कर पाएगा। जैसे अगर इसकी बात करूँ तो ये आपका क्या है, ये आपका जो CH3 है, ये जो आपका CH3 है, ये CH3 आपका ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन आपका कायरल नहीं है, सॉरी ये वाला कार्बन आपका कायरल है, जिसकी वजह से इसको मैंने स्टार मार्क कर दिया, दिस कार्बन इज योर कायरल कार्बन सिंस इट हैव 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन अगर इस वाले कार्बन की बात करें तो ये कार्बन आपका कायरल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेम सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे कि आप इधर को बढ़ोगे तो एक कार्बन देन ऑक्सीजन, इधर को बढ़े तो भी एक कार्बन देन ऑक्सीजन, तो ये सेम ही सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा। इसकी अगर बात करें तो इसके अंदर 2 CH3 हैं,
तो यहाँ पे भी चार डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो इसमें इसको भी कायरल कार्बन नहीं काउंट किया जाएगा। इसमें अगर करा जाए तो इसमें देखना, ये आपका कायरल कार्बन काउंट कर सकते हैं, इधर एक ऑक्सीजन हो गया, इधर कार्बन की चेन हो गई, इधर एक कार्बन देन ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन जो दिखाया नहीं है वो भी होगा, इसलिए इसे भी कायरल बोल सकते हैं। सिमिलरली इसके इस वाले कार्बन को भी कायरल बोल सकते हैं और इसके इस वाले कार्बन को भी कायरल बोल सकते हैं। जब भी कोई कोई कायरल होता है तो वो दो तरह से एग्जिस्ट कर पाता है, आर और एस। सिमिलरली ये मॉलिक्यूल दो बार काउंट करूंगा, एक बार ये आर जैसा बन जाएगा, एक बार ये एस जैसा बन जाएगा, ठीक है, ये कायरल नहीं है, ये कायरल नहीं है, तो एक तो। और सिमिलरली इसी तरह से मैं इसको भी दो बार काउंट करूंगा, एक बार आर जैसा, एक बार एस जैसा। लेकिन इस वाले में थोड़ा सा और भी आपको सोचना होगा, ध्यान से सुनना। इस वाले की अगर बात करूँ, लास्ट वाले स्ट्रक्चर की, ये आपका क्या है, ये आपका चार तरह से एग्जिस्ट कर सकता है, जो कि एक रफ नॉलेज से हम सोच भी सकते हैं। जैसे मान लो दो कायरल सेंटर, तो या तो एक बार दोनों ही आर होंगे, या एक बार दोनों एस होंगे, एक बार ये आर होगा, ये एस होगा, हो सकता है एक बार ये वाला कार्बन आर हो जाए, एस हो जाए, और ये वाला आर हो जाए। ऐसे चार पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन सीधा सीधा हम हमेशा ऐसा नहीं बोल सकते कि चार पॉसिबिलिटी है तो यहाँ पे चार काउंटिंग कर दूँ। आपको ये बना के देखने पड़ेंगे और इस पर कमेंट तब करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं ध्यान से देखना, मैं ऐसा कहूँ कि एक बार क्या हो, एक बार आपके पास जो दोनों मिथाइल हैं वो अपसाइड पे आ गए, दीज आर द मिथाइल, और नीचे वाले जो मैंने देखा है ये हाइड्रोजन है, ठीक है। और एक बार कोई मेरे से बच्चा बोले कि सर मैंने क्या किया, ये जो दोनों CH3 जो किसी बच्चे ने अपसाइड को दिखाए थे, मैंने दोनों CH3 डाउन साइड पे दिखा दिए, लेट मी मेक इट CH3 है, CH3 है, वन CH3 है, वन CH3 है। और सिमिलरली ये तो दो फॉर्म मैंने बना दी सिस वाली, जिसमें किसी बच्चे ने एक बार दोनों अपसाइड बना दिया, एक बार दूसरे बच्चे ने दोनों डाउन साइड बना दिया। सिमिलरली अगर इसकी बात करो तो इससे ट्रांस भी बन सकता है, और ट्रांस बनाने पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, ट्रांस बनाने पे आपका ये होगा CH3, ये H, ये H, ये CH3, मतलब दोनों CH3 अपोजिट डायरेक्शन में। सिमिलरली किसी बच्चे ने बोला कि सर इसने ऐसा बनाया था, मैंने इसकी मिरर इमेज टाइप बनाया कि इस बार हाइड्रोजन इधर, CH3 इधर, और CH3 इधर, हाइड्रोजन इधर। तो इस तरह से दो पॉसिबिलिटीज ट्रांस में हो गई और दो पॉसिबिलिटीज आपकी सिस में हो गई, ठीक है। और वही मैंने यहाँ पे लिखा भी था कि आपके पास चार पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन आउट ऑफ दीज फोर पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि कोई पॉसिबिलिटी ऐसी हो जो कि मतलब आपकी सेम हो, ये डिफरेंट ना हो। तो आपको इनके आपस में रिलेशनशिप डिसाइड करना पड़ेगा, आर दे डिफरेंट और सेम। तो अगर आप ध्यान से देखो और इस मॉलिक्यूल को मान लो आप इस एक्सिस के थ्रू, 180 डिग्री घुमा दो, तो घुमाने से क्या होगा, ये जो अपसाइड वाला दोनों CH3 ये डाउनसाइड चले जाएंगे, दोनों हाइड्रोजन अपसाइड आ जाएंगे, और इससे आपको यही बना हुआ दिख जाएगा। इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये दीज टू मॉलिक्यूल सेम। ऐसे ही अगर मैं इसके साथ घुमाने की कोशिश करूं और इसको 180 डिग्री घुमाऊं, तो 180 डिग्री घुमाने से ये नहीं बनेगा। इसकी वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो मैंने चार पॉसिबिलिटीज बनी थी, इसको चार ना काउंट करके इसको सिर्फ मैं तीन ही काउंट करूंगा। तो काउंटिंग अगर मैं करूं तो तीन यहां से बने और एक आर एक एस करके इस मॉलिक्यूल के बन गए दो। इस मॉलिक्यूल का बना आपका एक, क्योंकि इसमें एक भी कायरल सेंटर नहीं था इसलिए एक बार काउंट किया, इसमें भी एक भी कायरल सेंटर नहीं इसलिए एक बार काउंट किया, इसमें एक कायरल सेंटर है इसलिए इसको दो बार काउंट किया, और इसमें एक भी कायरल सेंटर नहीं है इसलिए इसको सिर्फ एक बार काउंट किया। काउंटिंग करते हैं, फाइनल आंसर बताते हैं अपना। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब यहाँ पे आपका आंसर क्या आना चाहिए, आंसर शुड बी 10। तो टोटल आंसर होना चाहिए आपका 10। बस इस तरह के क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा यही याद रखना पड़ेगा कि जब भी आपके पास मोर देन वन कायरल सेंटर हो, जैसे कि यहाँ दिख रहा है, उसमें आपको सारी पॉसिबिलिटीज बना के देखनी पड़ेंगी, और उसमें हो सकता है कि आपको ऐसे थियोटिकली तो आपको चार डिफरेंट पॉसिबिलिटीज दिख रही है, लेकिन आउट ऑफ दिस फोर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकता है कोई दो सेम हो, हो सकता है कि कोई दो दो सेम हो, तो हो सकता है कि मान लो ये दोनों भी सेम हो जाता, नीचे वाले भी दोनों सेम हो जाते, तो फिर सिर्फ और सिर्फ मैं चार नहीं दो काउंट करता। फिलहाल ऊपर वाले दोनों सेम हो गए, नीचे वाले दो डिफरेंट है, इस कारण की वजह से ऊपर वालों को मैंने एक ही बार काउंट किया, नीचे वालों को मैं दो बार काउंट कर रहा हूँ। दैट्स व्हाई इससे बनने वाले जो पॉसिबिलिटीज हैं वो चार ना होके आपके पास तीन पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। ओके, थैंक यू। IIT एडवांस 2019 का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन में क्या कहता है जरा एक बार ध्यान से पढ़िएगा. कहता है द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एन एक्को सॉल्यूशन कंटेनिंग 900 ग्राम ऑफ वाटर इज 0.05. इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml, सेंटीमीटर क्यूब इज नथिंग बट कॉल्ड एज ml, तो 1.2 ग्राम पर ml, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन. गिवन डाटा में आपको क्या क्या दिया है, आपको देता है मोलर मास ऑफ द यूरिया इज 60 ग्राम पर मोल एंड वाटर इज 18 ग्राम पर मोल रेस्पेक्टिवली. एक बार लिख लेते हैं जरा कि उसने क्या क्या चीज़ें आपको गिवन डाटा में दे रखी हैं. तो आपको दे रखा है मोलर मास ऑफ यूरिया, यूरिया होता है सी डबल बॉन्डो एन एच टू, एन एच टू इज इक्वल्स टू 60 ग्राम पर मोल. किसी क्वेश्चन में अगर यूरिया का मॉलिक्यूलर मास नहीं दे रहा होगा तो वो आपको कैलकुलेट करना होगा, इसलिए मैंने बता दिया. नाउ द मोलर मास ऑफ वाटर जो कि आपको ऑलरेडी पता है इज इक्वल्स टू 18 ग्राम पर मोल. इसके बाद आप करते हो कि लेट द वेट ऑफ द यूरिया इज इक्वल्स टू एक्स ग्राम जो कि हमें क्वेश्चन में निकालना होगा, एंड द वेट ऑफ द वाटर जो सॉल्वेंट है उसका वेट आपको दे रखा है, वेट ऑफ द सॉल्वेंट H2O इज इक्वल्स टू 900 ग्राम्स. एक बहुत बड़ा हिंट क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज मोल फ्रैक्शन दे रखा है यूरिया का. तो यूरिया का मोल फ्रैक्शन अगर आप निकालोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, दैट इज मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर. मोल्स का फॉर्मूला आप जानते हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है. तो यहां से मोल्स ऑफ यूरिया निकाला जा सकता है, ये हमने यहां से 0.05 सब्स्टिट्यूट किया है. मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल मास, गिवन मास ऑफ यूरिया एक्स ग्राम्स और मोलर मास आपको 60 ग्राम पर मोल दे रखा है. तो यहां पे हमने रखा एक्स बाय 60 डिवाइडेड बाय एक्स बाय 60 प्लस मोल्स ऑफ वाटर. मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 900 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 ग्राम पर मोल, दैट विल कम आउट टू बी 900 डिवाइडेड बाय 18. यहां से इफ यू कैलकुलेट द एक्स तो यहां से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी. तो एक्स विल कम आउट टू बी 157.9 ग्राम, जिसको हम ऑलमोस्ट राउंड ऑफ करके मैं आपसे कह सकता हूं कि 158 ग्राम हम लोग इसको मान लेते हैं. इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, आराम से हो जाएगा और अप्रॉक्सीमेटली आंसर हमारा वहीं पहुंचेगा जहां पे पहुंचना चाहिए था. ऐसा हम कर लेते हैं. अभी आपके पास सब कुछ आ चुका है तो यहां से वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाला जा सकता है. वेट ऑफ सॉल्यूट भी पता है और सॉल्वेंट भी पता है. तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इज नथिंग बट इक्वल्स टू वेट ऑफ यूरिया प्लस वेट ऑफ वाटर, और हमें दोनों की वैल्यू पता है. तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वेट ऑफ यूरिया जो कि है 158 अभी निकाला, प्लस वेट ऑफ वाटर 900 ग्राम दे रखा था. सम अप किया एंड द टोटल विल कम आउट टू बी 1058 ग्राम्स. अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. उसके लिए एक हिंट दे रखा है आपको, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है. उसके लिए आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एज अ हिंट दे रखा है. तो सिंस डेंसिटी इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास ओवर डेंसिटी. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा. तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमने सब्स्टिट्यूट किया 10588 ओके ग्राम डिवाइडेड बाय 1.2 ग्राम पर ml, और अगर देखें तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा और यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा. बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये आपका ml में आ रहा है, इट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 1058 डिवाइडेड बाय 1.2 ml.
इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, तो 1058 डिवाइडेड बाय 1.2 जो एमएल में था उसको डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा तो आई विल गेट इन लीटर। ऐसा करने से मेरा वॉल्यूम लीटर में आ गया। बस अब तो फाइनली हमें मोलैरिटी निकालना है, सब कुछ हमें पता है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखा, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज यूरिया डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज मोलर मास ऑफ यूरिया इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये सारा वैल्यूज हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो तो आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है इसमें, देखो जरा, वेट ऑफ यूरिया 158 ग्राम, मोलर मास इज 60 ग्राम पर मोल और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये इस रखा है, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये सब कुछ सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपकी मोलैरिटी आ जाएगी। एक बार सब्स्टिट्यूट करते हैं, इज इक्वल्स टू 158 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 60 ग्राम पर मोल इनटू 1058 डिवाइडेड बाय 1.2 होल डिवाइडेड बाय 1000 लीटर। ये सब कुछ कैलकुलेशन करने पे मोलैरिटी का वैल्यू आ जाएगा। तो कैलकुलेट किया तो मोलैरिटी विल कम आउट टू बी 2.98 मोलर। और यहाँ पे छोटा सा हमने अप्रोक्सीमेशन लिया था, उसकी वजह से हो सकता है 2.98 आ रहा हो। अगर मैं अप्रोक्सीमेशन नहीं लेते हो सकता है 2.99 आ जाता, तो इतना मैटर नहीं करता है, हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली सही आया, दैट इज 2.98। थैंक यू। तो इस क्वेश्चन में आपसे कहना चाहता है कि जब 1 मोल ऑफ रोम्बिक सल्फर का ऑक्सीडेशन होगा कंसेंट्रेटेड HNO3 के द्वारा, तो ऐसे में सल्फर आपका मैक्सिमम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहिए, जो कि होगा सल्फर का मैक्सिमम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है आपका +6, जो कि सल्फर आपका S8 से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहिए। और ऐसे में कितना वाटर प्रोड्यूस होगा उसके बारे में आपसे पूछता है। तो देखें जरा, ऐसे क्वेश्चन को जवाब देने के लिए आपको थोड़ा सा रिएक्शन याद होना चाहिए, और रिएक्शन याद होने के लिए आपको पी ब्लॉक चैप्टर जिसमें हम सल्फर के बारे में पढ़ते हैं वो थोड़ा सा आपको आना चाहिए। मतलब कि आपको रिएक्शन आने चाहिए कि S8 का जब ऑक्सीडेशन होता है HNO3 से, तो ऐसे में वो बनाता है क्या H2SO4, जो कि ऊपर क्वेश्चन में भी दिया है कि सल्फर आपका मैक्सिमम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, जो कि H2SO4 में सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्लस बनेगा वाटर, प्लस बनेगा आपका NO2। अगर आप इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो दिस विल कम आउट टू 48 HNO3, 8 H2SO4, 16 H2O एंड 48 NO2। बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख के ही हम ये बात कह सकते हैं कि 1 मोल सल्फर, मतलब 1 मोल S8 रोम्बिक सल्फर बनाता है 16 मोल्स ऑफ H2O। तो आई कैन से कि 1 मोल S8 विल फॉर्म 16 मोल्स ऑफ H2O। और यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 मोल सल्फर, रोम्बिक सल्फर कितना H2O बनाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आपको अमाउंट ऑफ वाटर पूछा है, मतलब आपको कितना ग्राम बनेगा ये बताना है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि आपको बताना है H2O कितने ग्राम्स बना। अभी हमने निकाल लिया कि H2O के कितने मोल्स बने, तो आप ऐसा कह सकते हो कि वेट ऑफ H2O फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ H2O फॉर्म्ड इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, दैट विल कम आउट टू बी कितना, 16 मोल्स इंटू 18 ग्राम पर मोल। एंड इफ विल सी तो ये मोल से मोल कट जाएगा और आपका फाइनल आंसर ग्राम्स में आ जाएगा, एंड आंसर विल कम आउट टू बी 288 ग्राम्स। तो फाइनली यू विल गेट द आंसर जो ये पूछना चाहता है कि H2O कितना बनेगा, तो H2O विल फॉर्म 288 ग्राम ऑफ H2O, तो आंसर विल बी 288 ग्राम्स। थैंक यू। IIT एडवांस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है।
एंड वन ऑफ द वेरी इजी क्वेश्चन, बस आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर होने चाहिए इसके लिए. क्वेश्चन इज अबाउट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिफाइन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जैसा कि मैं अगर लिख दूँ तो एक बार लिख दूँ, कहता हूँ कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ कंपाउंड मस्ट बी फॉर्म्ड बाय तो एक बार ढंग से पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या कहता है. देखना जरा, आपसे कहता है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज नथिंग बट 1 मोल ऑफ कंपाउंड मस्ट बी फॉर्म्ड बाय मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ प्रेजेंट कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट. मतलब कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन उस रिएक्शन को बोला जाएगा जब आपके पास जो चीज़ बन रही हो, जो प्रोडक्ट साइड में बन रहा हो, उसका सिर्फ और सिर्फ 1 मोल बन रहा हो. और यू कैन से कि रिएक्शन कुछ इस तरह से बैलेंस हो कि प्रोडक्ट साइड में जो भी चीज़ बन रही है उसके उसके आगे आपको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 देखे, मतलब कि उसका 1 मोल बनता हुआ नजर आना चाहिए आपको रिएक्शन में. तो इसी सिर्फ और सिर्फ इस लाइन से मैंने इस वाले ऑप्शन को काट दिया, क्योंकि इस वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे 2 मोल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं वाटर के. इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आगे की डेफिनेशन क्या बोलती है कि जो भी चीज़ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में बन रही है वो अपने रेस्पेक्टिव एलिमेंट से बन रही है और वो रेस्पेक्टिव एलिमेंट भी अपने ग्राउंड स्टेट में हो. जैसे सल्फर की ग्राउंड स्टेट सॉलिड है, दैट इज़ ओके. ऑक्सीजन गैशियस फॉर्म में ही पाया जाता है, दैट इज़ ओके. ऑक्सीजन गैशियस फॉर्म में पाया जाता है, दैट इज़ ओके. कार्बन लेकिन यहाँ गड़बड़ है, कार्बन आपका यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में लिखा होना चाहिए था तो मैं इसको सही मानता हूँ, अदरवाइज दिस इज़ रॉन्ग. हाइड्रोजन सही लिखा है, हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट में है, तो क्योंकि यहाँ पे कार्बन सॉलिड में नहीं लिखा है, गैसेस में लिखा है, दैट्स वाई मैं इस ऑप्शन को भी गलत मानूंगा. एंड अबाउट दिस ऑप्शन ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ बन रही है उसका 1 मोल बन रहा है फ्रॉम द रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स, और जो रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं वो भी अपने स्टेबल स्टेट में है. मतलब सल्फर आपका S8 फॉर्म में है और सॉलिड है, और ऑक्सीजन O2 फॉर्म में है और गैशियस है, ऑक्सीजन O2 फॉर्म में है, गैशियस फॉर्म में है. इसलिए आंसर शुड बी 1 and 3. थैंक यू. और आगे कहता है कि अ सॉल्यूशन ऑफ CS2 इन एसीटोन हैज अ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ 600 mm of Hg. मतलब आपसे ये कह रहा है कि जब आपने इन दोनों को मिलाया तो 600 mm of Hg आपको टोटल प्रेशर मिल रहा है. एक्चुअली होना क्या चाहिए, अगर ये आइडियल जैसा बिहेव कर रहा होता, मान लो ये समथिंग ए है, ये समथिंग बी है, CS2A मान रहा हूँ मैं, एसीटोन को मान लो मैंने B मान लिया फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या कहता, मैं ऐसा कहता कि आपको क्या दे रखा है, आपको प्योर वेपर प्रेशर ऑफ A दे रखा है, वो दे रखा है 512 mm of Hg, जबकि प्योर वेपर प्रेशर ऑफ B आपको दे रखा है, वो दे रखा है 344 mm of Hg. अगर मैं मान लो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से इसका P टोटल निकालता, और इसके P टोटल निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता, P0A xA + P0B xB. और ये मोल फ्रैक्शन चाहे आप कितना भी लेट कर लो तो भी इसका समीशन 600 नहीं पहुंचेगा, 600 नहीं पहुंचेगा. जैसे मान लो मैं कुछ लेट कर लेता हूँ, मान लो मैं बांध लेता हूँ दोनों का 0.5% है, सॉरी दोनों का 50-50% है, मतलब 0.5 मोल फ्रैक्शन है. मान लो एक बार मैं ये लेट कर लेता हूँ, जस्ट अज्यूमिंग कि XA टू बी 0.5, XB टू बी 0.5. और ऐसा करने से अगर मैं P टोटल निकाल भी दूं तो मेरे पास ये क्या आएगा, ये मेरे पास आएगा 512 × 0.5 + 0.5 × 344, एंड दिस P टोटल विल कम आउट टू बी 428 mm of Hg. तो ये तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया, बाकी आप एक्चुअली में कोई भी मोल फ्रैक्शन यहाँ पे अगर सब्सटीट्यूट करोगे एक्स से एक्स बी की जगह पे तो भी आपका 600 कभी नहीं पहुँचेगा. इसका मतलब ये है कि जो आपका एक्चुअली में थियोटिकली आना चाहिए वो तो आना चाहिए आपका क्या, आइडियली तो आना चाहिए 428 mm of Hg, लेकिन आपका आ रहा है 600 mm of Hg. मतलब क्या है, यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ एक सिंपल सी बात कि इट इज़ शोइंग पॉजिटिव डिविएशन.
अगर ये पॉजिटिव डिवीजन शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसका डेल्टा एच भी कैसा होगा? डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब होता है ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, एंडोथर्मिक होगा। और दूसरी बात, डेल्टा वी ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब ये कि अगर मान लो आपने इसके 50 ml ये लिया, 50 ml ये लिया, तो ऐसा करने से आपके पास ये कैसा आना चाहिए? वो 50+50 आना तो आइडियली चाहिए 100, लेकिन एक्चुअली में 100 से भी ज़्यादा आपको वॉल्यूम नज़र आएगा। ठीक है जी। अच्छा, एक एक करके ऑप्शंस पढ़ते हैं, देखते हैं जरा कौन कौन से ऑप्शंस के सही है, कौन कौन से इनकरेक्ट है। आपको ये मैं बहुत अच्छे से हाईलाइट करके दिखा दूं कि इसने फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है। बहुत बार बच्चे ऐसी गलती करे आते हैं IIT एडवांस में भी, मेंस में भी, वो ये नहीं पढ़ते कि फॉल्स पूछा या करेक्ट पूछा, और जल्दबाजी में हो सकता है ऑप्शन ए पढ़े, ऑप्शन ए करेक्ट हो और उसने सोचा हो कि उसने करेक्ट पूछा और ऑप्शन ए को वो टिक लगा के आगे बढ़ जाए, ऑप्शन BCD वो पढ़े ही ना। ठीक है ना? तो ऐसे में आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, ऑलवेज देखना होगा फॉल्स पूछा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है या करेक्ट पूछ रहा है। तो ऐसे में अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि कौन कौन से ऑप्शन सही है, कौन कौन से गलत है, कह रहा है हीट मस्ट बी एब्जॉर्ब इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दी सॉल्यूशन एट 35 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि हीट एब्जॉर्ब होगी, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। डेल्टा एच पॉजिटिव है इस रिएक्शन का, रिएक्शन क्यों कहूँ मैं, ऐसा कहूँ कि जब ये मिक्स कर रहे हो उस प्रोसेस का। दूसरा है राउट्स लॉ ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया कि कभी भी 600 नहीं पहुँचेगा, जबकि आइडियली कि अगर राउट्स लॉ मानूं तो 428 mm of Hg पहुँचेगा, लेकिन एक्चुअल में 600 mm of Hg पहुँच रहा है, तो इसलिए राउट्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है CH2 एंड एसीटोन आर लेसर अट्रैक्टेड। ऑब्वियसली लेसर अट्रैक्टेड होते हैं तभी पॉजिटिव डिवीजन आता है, अगर मोर अट्रैक्टेड होते हैं तो नेगेटिव डिवीजन आता है, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि अगर 100 ml इसका मिलाऊं, 100 ml इसका मिलाऊं, तो वो 200 से कम आएगा। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि डेल्टा वी कैसा होगा इसका, डेल्टा वी आपका पॉजिटिव होगा। अगर आप इसका 100 और इसका 100 मिलाओगे वो एक्चुअली 200 से भी ज़्यादा दिखेगा। तो इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा आपका, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका स्टेटमेंट नंबर 4, ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। दैट्स व्हाई आंसर शुड बी 4। थैंक यू। इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव अ सिस्क मैंगनीज कॉम्प्लेक्स विद 2 क्लोरो ग्रुप्स एंड 2 इथाइलीन डायमीन ग्रुप्स, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज द टोटल नंबर ऑफ सिस पेयर्स ऑफ दीज बॉन्ड्स, दैट इज मैंगनीज नाइट्रोजन एंड मैंगनीज क्लोरीन बॉन्ड्स विच आर इन सिस पोजिशन टू ईच अदर इन दिस कॉम्प्लेक्स। As it is stated here that this question is asked in IIT JEE Advanced 2019. So to solve this question, we have to draw its structure. As it is a cis complex, so 2 chlorine are in cis position. Do you know how these ligands are arranged in space in an octahedral complex? So these four ligands are just like these are in the plane of the paper, and this MCL bond is just like that, just above the plane of the paper, and this MN nitrogen bond is just below the plane of paper. So all these four ligands in the plane are cis with respect to this one and with respect to this one, and the bond angle between these bonds are 90 degree. This one is 90 degree, this one is 90 degree again, and this one is also 90 degree, and this one is also 90 degree. Consider this MNCl bond. The number of cis manganese nitrogen bonds with respect to this MNCl bond is this one, this one, and this one, while
this bond is trans to it. So total number of cis MN nitrogen bonds with respect to this MCl bond is 3. Now consider this MNCl bond. This bond is just trans to it, while these four groups are in cis position to it. So the number of MNN and MNCl cis bonds with respect to this bond is this one, which is at 90 degree, this one, which is again 90 degree, and this one, which is also at 90 degree, while this one is at 180 degree. So again here the total number of cis N, MN and CL bonds are 3 for this bond also. So total number of cis N, MN, CL bond angles are 6 in this complex. Thank you. This question is about leaching process of gold ore, and we have to identify the missing reagents involved in this process. This question was asked in IIT JEE Advanced 2019. To solve this question, here I took the cutout from NCERT of class 12, chapter number 6, where this process is clearly explained, and we will get the desired answer from there. It is stated here that the process of leaching for silver and gold is same. So in general, metal M is written here for silver and gold. To solve this question, we must consider the metal gold here in these equations. So here, impure gold ore is treated with dilute solution of sodium cyanide or potassium cyanide in presence of air, which provides oxygen to form a soluble complex of gold, which then treated with zinc to obtain gold metal as a replacement reaction. Now, what question said is leaching of gold with cyanide ions in presence of Q in water to form R. So here the missing reagent Q is oxygen, and R that is formed is the dicyano complex of gold. Further question states that molecule R, that is dicyano complex of gold, reacts with T to form gold and a reagent Z. So the reagent T with which complex R reacts is metal zinc, which is more reactive than gold and replaces the gold from the complex to form a tetracyano-zinc complex, which is the reagent Z. So Q is oxygen molecule, R is dicyano-orate-1 complex, T is zinc, and Z is tetracyano-zincate-2 complex. Here, option 1 states R is tetracyano-orate-3 complex, which is incorrect, while options 2, 3 and 4 are correct. Thank you.